हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर सेकेंड ऑफ मार्च 2020 तो दो मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अपलोडेड द जनवरी मंथ पीडीएफ

सो दैट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज प्रलिम्स के पहले आप इस तरीके की चीजें कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां पे एंड दोज टू जॉइन द टेम्स पोर्टलिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो नो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन फर्स्ट पहले क्वेश्चन देख लेते हैं आज के पहला क्वेश्चन नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से कहा लोकेटेडेड ऑप्शन सर ए महाराष्ट्र बी राजस्थान सी मध्य प्रदेश या डी गुजरात क्वेश्चन नंबर टू इज द तिशरीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद तिशरीन रेवोलूशन में से किससेटेड ऑप्शन इराक बी हॉन्गकॉन्ग सी तिब्बत या डी थर्ड क्वेश्चन मीडियम्राइजेस डी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर थ्री क्वेश्चन प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चन इन दमेंट सेक्शन बिलो और एंड ऑफ दीडियो मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ डोंट वरी अबाउट दैट आज फ्रंट पेज में कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि हमको डिस्कस करनी चाहिए फॉर एग्जांपल नो माइनॉरिटी इन बंगाल विल लूज सिटीजनशिप ड्यू टू सी तो जस्ट मैं आपको सी के बारे में थोड़ी चीज बताता हूँ कि सी यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ओके अब इसमें क्या किया गया बेसिकली इसमें यह बोला गया कि छः कम्युनिटीज़ को सिक्स कम्युनिटीज जैसे कि हिंदू बुद्धिस्ट जैन क्रिश्चियन आपके पारसीज एंड सिख दीज वर दिक्स कम्युनिटी अगर ये तीन कंट्रीज से आ रही हो तीन कंट्री कौन कौन सी है पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश इफ़ दीज सिक्स कम्युनिटी पीपल आर कमिंग फ्राम थ्री कंट्रीज पाकिस्तान अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश बिफोर द कट ऑफ डेट ऑफ थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड एंड फोर्टीन इकतीस दिसंबर दो हजार चौदह के पहले अगर ये आ रहे हैं देन दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज इलीगल माइग्रेंट इलीगल माइग्रेटिंग को ट्रीट नहीं किया जाएगा इन छह कम्युनिटी के लोगों को अंडर टू एक्ट्स दो एक्ट्स हैं जो कि इलीगल माइग्रेंट घोषित करते हैं एक है पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1920 दूसरा है ट्रिब्यूनल फॉरेन ट्रिब्यूनल फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946। ओके तो फॉरेनर्स एक्ट ऑफ नाइनटीन एंड पासपोर्ट एक्ट ऑफ नाइनटीन ये दोनों जो है वो इलीगल माइग्रेंट घोषित करते हैं इलीगल माइग्रेंट घोषित करने की जो प्रोसेस है बेसिकली वो टू के सिटीजनशिप रूल्स से शुरू हुई टू में सिटीजनशिप रूल्स आए जिसमें एन का भी जिक्र किया गया यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जिसके अंदर की रेसिडेंट्स का रजिस्टर रेज है बेसिकली रेसिडेंट्स जो कंट्री में है उनका ये टोटल रिकॉर्ड रखता है रेसिडेंट की डेफिनेशन क्या है एनी वन हुज स्टेड इन दिस कंट्री फॉर मोर देन सिक्स मंथ टाइम पीरियड और who is planning to stay in this country for more than six month period is a resident for this country तो ये basically facts सी regarding CAA CAA में एक और चीज़ है कि जो process of naturalization होती है मतलब कि citizenship लेने की एक process है नेचुरलाइजेशन की process जिसमें पहले इलेवन प्लस वन ईयर लगता था मतलब कि पहले बारह साल लगते थे अब वो घट करके फाइव प्लस वन हो गया है मतलब कि अब उसमें जो इलेवन वाला पीरियड था वो घट करके पांच हो गया है और टोटल बारह का जो पीरियड था वो घट करके छः हो गया है और ये छह जो पीरियड हुआ है बारह से यह केवल छह कम्युनिटीज के लिए हुआ जिनके लिए हमने बात की थी ओके तो दिस इज द फैक्ट रिगार्डिंग सी ए आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स आज के एडिटोरियल्स बहुत ज़्यादा अच्छे आए थे मतलब चार जो चार एडिटोरियल होते हैं चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट थे कोई ऐसा नहीं था जिसको हम छोड़ सकते थे ओके सो यू कैन मूव विद मी आप मेरे साथ देख लीजिए और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं ओके सो दिस पेज डज नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम यूरेशियन ऑटर फाउंड इन द चिलीका लेक यूरेशियन ऑटर जो है वैसे यूरेशियन ऑटर की जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि वो कम होते हैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्ट वराइटी नहीं है लेकिन इंडिया वाले रीजन में ये कम मिलते थे तो यहां पे ये यह मिले हैं नाउ दूसरी जो स्पीशीज यहाँ पे है वो है फिशिंग कैट ओके फिशिंग कैट भी चिलिका लेक में मिली है ओके यूरेशियन ऑटर एंड फिशिंग कैट ये दो वेरायटीज हैं फिशिंग कैट के बारे में काफी फैक्ट्स दिए हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्चर्स कंडक्टिंग अ स्टडी इन उड़ीसा चिलीका लेक है प्रेजेंस ऑफ अ वायबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ फिशिंग कैट इन द ब्रैके ब्रैकिश वाटर लैगून, ओके तो यहाँ पे उनको फिशिंग कैट की पॉपुलेशन मिली है इट्स अ ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज फिशिंग कैट जो है वो एक ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज है ये थोड़ा कम रहती है इट्स अ ग्लोबली इंडेंजर्ड स्पीशीज डेट इज इक्यूजिव एंड फाउंड इन वेरी फ्यू प्लेसेज इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया ये साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है तो याद रखेगा फिशिंग कैट की वेराइटी इंडेंजर्ड वेरायटी है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है ओके सो दिस दिस इज अ फैक्ट एंड वाइल्ड कैट स्पीशीज़ यूजली हंट ऑन ग्राउंड देखो जो नॉर्मल वाइल्ड कैट होती हैं वो ग्राउंड में हंट करती हैं लेकिन जो फिशिंग कैट होती है दे हंट इन वॉटर सो दिस इज अनादर फैक्ट जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है कि फ़िशिंग कैट दे हंट इन वाटर तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपीसी से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन बना सकता है ओके okay, ऑलरेडी उन्होंने डिगोंग काऊ के ऊपर बनाया हुआ क्वेश्चन है ओके okay, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि एक बार डिगोंग काऊ के बारे में पढ़ लेना ओके डिगोंग काऊ इसके बारे में पढ़ लेना ओके तो दिस इज अ क्वेश्चन एंड वाइल्ड कैट स्पीशीज़ के बारे में तो हम खुद ही बता रहे हैं आपको यूजली वाइल्ड कैट का, जो होती है वो ग्राउंड में हंट करती है लेकिन जो फिशिंग कैट होती है वो आपके वाटर में हंट करती है ठीक है ना इंडेंजर्ड स्पीशीज है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है ठीक है ना दिज दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर देयर ओके यहाँ देखो यहाँ पर एक और कुछ और फैक्ट्स दिए गए हैं देखो कि क्या क्या फीचर होते हैं इट हैज अ स्पेशलाइज्ड फीचर लाइक पार्शली वेब्ड फीट एंड वाटर रेजिस्टेंट फर इसके पार्शली वेब्ड फीट होते हैं एंड वाटर रेजिस्टेंट फर होता है तो इस कारण से इसके दो फीचर हैं पार्शली वेब्ड फीट एंड वाटर रेजिस्टेंट फर ये दो फीचर्स हैं जिस कारण से ये रह पाता है द फ्लैट हेडेड कैट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इज द ओनली अदर फेलाइन दैट शेयर सिमिलर फीचर्स अब ये फिशिंग कैट के जैसे फीचर्स जो है ना वो केवल फ्लैट हेडेड कैट में होते हैं जो कि साउथ ईस्ट एशिया की कैट है ओके okay? तो साउथ ईस्ट एशिया की कैट है फ्लैट हेडेड कैट उसके जो फीचर्स है वो फिशिंग कैट से मैच करते हैं दिस इज द न्यूज ओके तो ये आपको

इट वॉज द फर्स्ट वाटर बॉडी इन इंडिया टू बी डेजिंग ऑफ इंटरनेशनल इन उन्नीस सौ इक्यासी में रामसर कन्वेंशन रामसर कन्वेंशन आप सबको पता ना किन ईरान की एक साइट है रामसर जो है वो ईरान में एक साइट है वहां पर हुआ था कन्वेंशनटीन से okay? फोर्स में, में अडोप्ट किया गया था रामसर कन्वेंशन ईरान की साइट है और अंदर चिलिका को इंडिया का पहला डेजिग्नेट किया गया था वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस और इसके अलावा एक और चीज है कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड अब आपको पता होना चाहिए कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी है अंडर द रामसर जो कि साइन के जाता है जि, जिसके अंदर की लिस्ट रहती है इसमें इंडिया की तीन साइट्स थी ओके okay? तीन साइट्स थी जिसमें कि चिलिका लेक एक थी बट चिलिका लेक को बाद में 2000 के आसपास 2003 के आसपास आई थिंक इनको चिलिका लेक को रिमूव कर दिया गया आपको बताना है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंडिया की कौन सी दो साइट है इंडिया की कौन सी दो साइट अभी मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड के अंदर है विच आर द टू साइट्स ऑफ इंडिया अंडर द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एट प्रेजेंट दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू प्लीज डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन मिलो नीचे आप जरूर बताइएगा ठीक है ना तो याद चिलिका लेक चिलिका लेक्रेक्स रिकॉर्ड में डाला गया था लेकिन कंजर्वेशन एफर्ट्स के बाद उसको मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड से रिमूव कर दिया गया तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल समझ में आ गया होगा आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है आ, यहाँ पे है कॉल टू शेल रोड थ्रू टाइगर रिजर्व अब एक बेसिकली एक बात चल रही है पक्की टाइगर रिजर्व का जो नाम है उसमें क्या है बेसिकली एक हाईवे को पास करने की बात की जा रही थी रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी तो यहाँ पे अपने को लोकेशन याद रखना है पक्की टाइगर रिजर्व की ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ पर है पक्की टाइगर रिजर्व तो ये अरुणाचल प्रदेश में है दिस इज अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर इसका नाम जरूर याद रखना इसकी लोकेशन जरूर याद रखना इंडिया इज होस्ट टू फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटमएस होता है क्या है, इसको बोलते है इस कन्वेंशन को क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं बॉन कन्वेंशन क्या बोलते हैं इसको बोला जाता है ठीक

जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस लिस्ट को कंपाइल किया है अब आपको मैं बताता हूँ पहले सी एम एस के बारे में यानी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज के बारे में ऑफ़ वाइल्ड एनिमल्स अब यहाँ पे कई लोगों को बॉन कन्वेंशन के बारे में एक मिसकनसेप्शन है कि बॉर्न जो कन्वेंशन uh, है वो केवल बर्ड्स के लिए है माइग्रेटरी स्पीशीज़ के नाम पे आपको बर्ड्स ही बस याद आता है ना कि उड़ के आती हैं बट ऐसा बिल्कुल नहीं है इसके अंदर बर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स फिशेज हर चीज़ आएगी जो माइग्रेट हो सकती है कोई चीज़ जो चल सकती है जो चल के आ सकती है उड़ के आ सकती है कैसे भी आ सकती है वो इसके अंदर कवर्ड है तो ये आप पहला मिसकनसेप्शन हटा दीजिएगा कि केवल बर्ड्स इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है बर्ड्स एनिमल्स वाइल्ड एनिमल्स सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है ठीक है ना टेरेस्ट्रियल हो या एक्वेटिक हो या एवियन हो मतलब कि या तो लैंड के थ्रू हो वाटर के थ्रू हो या एयर के थ्रू हो कोई भी स्पीशीज आउट द रेंज प्रोटेक्टेड है अंडर दिस बॉन कन्वेंशन याद रखेगा अब ये बॉन कन्वेंशन जो है ये नाइनटीन आई थिंक नाइनटीन एटी थ्री का कन्वेंशन है ये भी याद रख सकते हैं बॉन इज अटी इन जर्मनी बॉन जो है आपका जर्मनी में है ओके बॉन इज इन जर्मनी तो ये या आप याद रख सकते हैं इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी अंडर यूनाइटेड नेशन इन्वा पी के अंदर आता है इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है इट इज ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइजिंग इन कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी स्पीशीज देयर हैबिटेट्स एंड देयर माइग्रेटरी रूट तो ये एकमात्र ऐसी ऐसा एक, कन्वेंशन है जो कि माइग्रेटरी स्पीड स्पीशीज, और उनके माइग्रेटरी रूट को प्रोटेक्ट करता है तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर इसके दो हैं। वन जो है उसके अंदर स्पीशीज थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन। मतलब कि ऐसी स्पीशीज जिनको एक्सटिंक्शन का खतरा है वो आती है अपेंडिक्स टू है जिसके अंदर स्पीशीज़ दैट वुड बेनीफिट बाई दिस इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब कि ऐसी स्पीशीज़ जो इस कन्वेंशन के अंदर आकर के बेनिफिट करेंगी वो इंक्लूड रहती है तो दिस वॉज अबाउट द बॉर्न कन्वेंशन यू एन ई पी के अंदर आता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंटेंटेंटेंटेंट फैक्ट ये याद रखिए अगर यू पी एसी के अगर आपसे पूछेगा तो ये स्टेटमेंट ज़रूर देगा कि इट इज़ द ट्री टी विच कम्स अंडर यू एन ई पी या वो चेंज करके डब्लू डब्ल्यू एफ लिख देगा यह गलत हो जाएगा तो यू एन ई पी यानी कि यूनाइटेड नेशन इवायरमेंट प्रोग्राम के अंदर्गत आती है ये याद रखना अगला जो चीज़ हम जानेंगे वो जेड एस आई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब बना था उन्नीस सौ सोलह में बना था अभी दो हज़ार सोलह में इसके सौ साल भी पूरे हुए थे ओके okay? एंड जो फाउंडर थे जेड एस आई नेल्सन अन्नाडेल ओके तो नेल्सन अन्नाडेल वॉज द फाउंडर ऑफ दिस जेड एस आई जेड एस आई इंडिया में फौना को प्रोटेक्ट करने का, का काम करता है बेसिकली फौना के ऊपर वो रेगुलेटरी उसका का काम करता है एंड Uh, एक रेड डेटा बुक ऑन इंडियन एनिमल्स भी रिलीज करता है रेड डेटा बुक ऑन इंडियन एनिमल्स ये पहली बार जब रेड डेटा बुक इसने फोना के ऊपर निकाली थी तब निकाली थी ये 1983 में ओके एंड इट इज सिमिलर टू द रेड डेटा बुक ऑफ आईयूसीएन आईयूसीएन भी आप सबको निकालता है ना आप सबको पता है ना कि निकालता है रेड डेटा लिस्ट ऑफ थर्ट एनिमल्स स्पीशीज उसी तरीके से जेडासाई जो है फोना के लिए रेड डेटा बुक निकालता है तो ये आपको याद रखना दीज वर द फैक्ट्स रिगार्डिंग योर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड योर सी एम एस आई होप यू गर्ट क्लैरिटी है uh, clarity, ना ये देखो यहाँ पे 457 टोटल स्पीशीज इन्होंने बोला है कि कवर करता है जिसमें बर्ड्स की सबसे अधिक स्पीशीज है 378 एट देन मैमल्स फोर्टी देन आपका फिशेज हैं 22 टू एंड देन रेप्टाइल्स है सेवन ओके okay? तो आप देख सकते हैं और दीज आर स्पीशीज ये बिफोर सीओपी थे और ये आफ्टर सीओपी पहले मतलब चार सौ इक्यावन उन्होंने बोलते हैं अब छः स्पीशीज और बढ़ा दिए हैं ओके छः स्पीशीज़ कौन कौन से बढ़े हैं? वो भी नाम लिखे हैं एक्चुअली नाम उनके भी लिखे हैं एशियन एलिफेंट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंगाल फ्लोरिकन ओशियनिक वाइट टिप शार्क यूरियल एंड स्मूथ हैमर हेड शार्क ये स्पीशीज है जो कि बढ़ा दिए हैं तो ये या आप याद रख सकते हैं दिस दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट आगे जो न्यूज है वो है वाटर क्राइसिस लूम्स इन द हिमालयन रीजन स्टडी फाइंड्स अब एक स्टडी की गई है बेसिकली आठ टाउन्स में जो कि हिमालयन रीजन में है बांग्लादेश नेपाल इंडिया पाकिस्तान वाले रीजन में तो वहाँ पर ये पता चला कि वो जो रीजन है वहाँ पे 20 टू 70 परसेंट डिफिशियंसी इन वाटर सप्लाई है मतलब हिमालयन रीजन में 20 से 70 परसेंट तक वाटर सप्लाई की डेफिशिएंसी uh, है इसका जो रीज़न है जो रीजन्स है उसके पहला रीजन है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन इज द फर्स्ट रीजन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन दूसरा जो रीजन वह है वह क्लाइमेट चेंज दीज आर द टू की फैक्टर्स रिस्पॉसिबल फॉर द स्टेट ऑफ अफेयर्स तो आप ये आदर सकते हैं कि हिमालयन रीजन में वाटर की जो स्केसिटी है या वाटर की जो डेफिशियसी है उसका रीजन पहला है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन दूसरा है क्लाइमेट चेंज ओके तो ये आप लिख सकते हैं अगर आपको कभी मेन्स आंसर राइटिंग में आ जाए ऐसा क्वेश्चन की जो हिमालयन रीजन है दे आर सफरिंग फ्रॉम वाटर डिफिशियंसी वॉट कुड बी द रीजन फॉर दैट एंड दिस एंड दैट तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं अनप्लांट अर्बनाइजेशन देन क्लाइमेट चेंज ठीक है ना नाउन द प्लेस सर्वेड आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन स्प्रिंग्स कि ये भी रीजन है कि जो वहाँ के वाटर है दिपे, जो वहाँ के टाउन्स हैं दे आर एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन स्प्रिंग्स 50 टू हंड्रेड परसेंट उनकी जो डिपेंडेंसी है वो स्प्रिंग्स पे है फॉर फॉरदर वाटर एंड थ्री फोर्थ वर इन अर्बन एरियाज अर्बन एरियाज में थ्री फोर्थ ऐसे जगह थे जो कि स्प्रिंग्स में डिपेंडेंट थी ठीक है अंडर ट्रेंड्स डिमांड सप्लाई गैप में डबल बाय 2050 अब ये भी कहा जा रहा है कि जो करंट ट्रेंड है उसको अगर वो अगर चलता रहा तो हिमालयन रीजन में जो वाटर की डिमांड सप्लाई गैप है वो डबल हो जाएगा बाय 2050 2050 तक आते आते ये जो है डबल हो जाएगा इसके अलावा यहां पे आपको ये भी दिख रहा होगा फोटोग्राफी नीचे लिखा है डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज इज एविडेंट अक्रॉस द रीजन हिमालयन रीजन में जो वाटर बॉडीज हैं उनका डिग्रेडेशन भी हो रहा है डिग्रेडेशन होगा तो वो वाटर यूज नहीं कर पाएंगे सो दैट इज अनदर कॉज ऑफ डेफिशियंसी ये भी आप लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट पहला अन प्लांट अर्बनाइजेशन जो मैंने बोला था है ना उसके बाद हमने बोला था क्लाइमेट चेंज तीसरा आप लिख सकते हैं डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल वाटर बॉडीज दिस इज अनदर थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल ओके इसका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अक्रॉस द रीजन द इक्रोचमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक स्प्रिंग्स लेक एंड ग्रोइंग डिसअपियरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम दिस इज द फोर्थ पॉइंट जो कि आप मेंशन कर सकते हैं पहला क्या था अनप्लांट अर्बनाइजेशन दूसरा क्या था आपका क्लाइमेट चेंज तीसरा क्या मैंने बोला इंक्रोचमेंट एंड डिग्रेडेशन ऑफ द वाटर बॉडीज चौथा क्या है ग्रोइंग डिसअपियरेंस ऑफ द ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम वेल्स स्टोन स्पाउट्स तो जो ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम है उनका डिसअपियरस हो रहा है दीज आर द फोर रीजन फॉर द स्केयरसिटी ऑफ वाटर इन द हिमालयन रीजन ये जो चार रीजन मैंने बार बार रिपीट करके बोले हैं ये अगर आप याद रख लो तो आंसर राइटिंग करने में बहुत मदद मिलेगी यू कैन राइट ब्रिलियंट आंसर ये चार पॉइंट्स अगर आपको पता है तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सेंटर टू रिव्यू द लिस्ट ऑफ मॉन्यूमेंट्स अंडर ए एस आई अब सेंटर ने क्या बोला है कि ए एस आई के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स आते हैं उनको ये दोबारा रिव्यू करने वाला है एट प्रेजेंट अगर आप देखें प्रेजेंटली तो ए एस आई के अंदर छत्तीस सौ इनके आता है थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइन्टी वन थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नाइनटी वन मॉन्यूमेंट्स आते हैं नेशन वाइड ओके अंडर दिस ए एस आई आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाउ वॉट दे विल डू बेसिकली दे विल रिव्यू द लिस्ट और कौन से आ सकते हैं उनकी लिस्ट को ये रिव्यू करेगा ये जो लिस्ट है बहुत पुरानी है सबसे अधिक जो लोकेशंस हैं वो उत्तर प्रदेश की हैं सेवन फोर्टी फाइव दे कम अंडर दिस ए एस आई सेवन फोर्टी फाइव लोकेशन आर देयर अंडर फ्रॉम उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की साइड से जो ए एस आई के अंदर आती है ASI का जब जिक्रता हो रहा था एस के बारे में जान लेते हैं Archaeological Survey of India. फॉर is an ऑफ इंडिया इट इज एन इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी Culture. टू तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से एसोसिएटेड अस, है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री ओके तो, तो बेसिकली आर्कोलॉजिकल रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है एंड कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है बनी कब थी एटीन में बनी थी बाय अलेक्सेंडर कनिंगम विकेम द फर्स्ट डायरेक्टर तो अलेक्जेंडर कनिंगम पहले डायरेक्टर बने इसके 1861 1861 में बना ये कौन से एक्ट के अंदर का आता है ये ए एम ए एस आर एक्ट 1958 का है ए एम ए एस आर एक्ट ऑफ 1958 उसके अंदर ये मॉनिटर करता है 3600 सौ इंक यहाँ पे छत्तीस सौ पचास लगे छत्तीस सौ इंक्यानवे साइट सा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा इसके अंदर अभी है प्रेजेंटली ए एम ए एस आर का फुल फॉर्म क्या है एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ओके एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी एट का एक्ट है इसके अंतर्गत मॉनिटर करता है मिनिस्टर ऑफ कल्चर के अंदर आता है एटीन सिक्स ने बना था तो दीज आर दिंग विच आर देर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एस आई आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको समझ में आ गया होगा नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल पेज जो पहला एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे है बिग बैड डील नाव यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी आपको थोड़ा मैं आपको समझाना ज्यादा चाहता था क्योंकि एडिटोरियल आपका कंसेप्चुअल पार्ट होता है वो समझो ज्यादा लिखने से ज्यादा वो मैटर करता है कि आपको समझ में आना चाहिए तो बिग बैड बैड डील किसको बोला जा रहा है ये तालिबान और यूएसए uh, के बीच में जो अभी डील हुई है जिसमें कि यूएसए ने कहा है कि वो अपनी ट्रूप्स को बाहर खींच के ले जाएगा और uh, तालिबान से ये प्रॉमिस करवाया माँ कसम माँ कसम खाने के लिए बोला है उन्होंने बोला कि तुम माँ कसम के बोलो कि तुम जो अफगानिस्तान है उसको टेस्ट ग्राउंड की तरह यूज नहीं होने दोगे तो उन्होंने बोला हम मार्क्सम खाते हैं तो तालिबान ने ये बोला और यूएसए ने बोला कि ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे तो ये दो चीज़ें हुई इस इस डील के अंतर्गत ये चीज की गई थी बेसिकली ऑथर ने कहा है कि ये जो डील है ना ये बहुत ही फोकट डील है कोई इसका इसका कोई मतलब नहीं है एंड ये और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला है आगे आने वाले समय में ओके okay. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अफगानिस्तान का ये वॉर है ये बहुत पुराना वॉर है 18 साल पुराना वॉर है 2001 में शुरू हुआ था ये 2001 में शुरू हुआ था और उसी समय पे अमेरिका ने अपनी फोर्सेस को यहाँ पे डालना शुरू किया था प्लांट करना शुरू किया था ये बोल करके कि हम यहां पे डेमोक्रेसी लाएंगे हम यहाँ पर स्टेबलाइज करेंगे सिस्टम को लेकिन उनको नहीं पता था कि वो फंसते जा रहे हैं इस चीज़ में और वो वहाँ के लोग जड़ बुद्धि हैं वो सुधरेंगे नहीं वो ऐसे ही लोग थे भाई वहाँ पे तो सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था तो ये ये

भागते भूत की लंगोटी से ही कहावत होती है ना भागते भूत की लंगोटी से तो वही वाली बात है कि वो अब सोच रहा है कि हार तो गई तो जाते जाते कुछ ऐसा कुछ ऐसा और करते हैं और फंसाई दे इस इसको है ना एंड तालिबान जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस मूवमेंट में ओके इंसर्जेंट जो है बहुत ज्यादा लगभग हाफ ऑफ द कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय तालिबान एट प्रेजेंट ओके तो ये वाली बात है एक तरीके से पहले बराक ओबामा ने भी यहाँ पर हारी मान ली थी उसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप की बारी थी बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और ज्यादा दिमाग वाला है तो उसने आपको पता है क्या कर, अब देखो यहाँ पे मेन चीज बराक ओबामा जो डोनाल्ड ट्रंप है उसका एक पॉइंट यहाँ पे ऑथर ने ये लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों चाहता है बेसिकली इस तरीके की बात कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि सारे अगर सोल्जर्स को वो इस कंट्री में वापस ले गया जो कि बहुत बड़ा प्रॉमिस है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का तो अगर वो इस ए, 135 दिनों के अंदर जैसा कि उन्होंने वादा किया है अंदर डील की 135 दिनों के अंदर हम आ, अपने बहुत सारी ट्रूप्स लगभग वन थर्ड ट्रूप्स हम वहाँ से ले जाएंगे तो अगर वो ऐसा करने में सफल हो पाता है तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उनको बहुत बड़ा एक पुष मिलेगा तो एक ये भी रीज़न है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में एक बहुत बड़ा पुष उसको मिल सकता है लेकिन बहुत सारे फंडामेंटल इशूज़ हैं इस ट्रेड डील के साथ मतलब इस डील के साथ पहला जो फंडामेंटल इशू है विद द डील वो ये है कि इसमें अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इंगेज नहीं है यहाँ पे जो डील हुई है यूएसए और तालिबान के बीच में हुई है यूएसए तालिबान के बीच में भैया उस अफगानिस्तान गवर्नमेंट का क्या हुआ जिसको लोगों ने सेलेक्ट किया है उस गवर्नमेंट का क्या हुआ जिसको हम इंडिया वाले लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं अब जब डील होती है किसी कंट्री में तो वो उन दो पावर्स के बीच में होती है जो वहां पे लेजिटिमेटली रूल करते हैं हमेशा ऐसा ही होना चाहिए ना बट यहां पे, पे उल्टा केस हो रहा है पे आपने एक ऐसी पावर के साथ डील किया जो कि टेररिस्ट ग्रुप्स को वहां पे पनाह देती है और आपने उस चीज को इंक्लूड नहीं किया जो कि वहां पर इलेक्टेड गवर्नमेंट थी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी ओके ये वाली बात है अगली चीज जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि uh, मतलब आप जो तालिबान है तालिबान को अगर देखो तो दे सी उनको ऐसा लग ही नहीं रहा कि उनको ज़रूरत है किसी डील की उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कोई ज़्यादा बड़े वादे नहीं किए उनके अभी भी रूल्स वैसे ही स्ट्रिक्ट हैं स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज हैं दे बैनिश द वुमेन फ्रॉम द पब्लिक लाइफ uh, वो बिलीव करते हैं ज़्यादा एजुकेशन एद। ना हो वुमेन को एजुकेट ना किया जाए देन ये सारे डिस्क्रिमिनेशन की बात एथनिक माइनॉरिटीज़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं एंड दे हैव नॉट मेड एनी प्रॉमिस दे हैव नॉट मेड एनी प्रोमिस ऑन वेदर इट वुड रिस्पेक्ट द सिविलबर्टीज और एक्सेप्ट द अफगानिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन तो तालिबान ने यह दोनों चीज़ें नहीं मानी अभी भी तालिबान ने यह कहीं नहीं कहा कि हम अपना जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस एटीट्यूड है वो छोड़ देंगे और जो विमेन को नहीं पढ़ाने वाली बात है उनको uh, हमेशा डिस्क्रिमिनेशन uh, रखने वाली बात है इन सबको छोड़ देंगे तो so, उन्होंने ऐसे कोई वादा नहीं किया है दूसरी चीज कि उन्होंने यह भी नहीं कहा कि वो अफगानिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे तो दे विल नॉट अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशनिस्तान द तालिबान गॉट व वॉट इट वॉन्टेड तालिबान को तो वो मिल गया जो ये चाहता था क्या क्या, -क्या मिल गया कि फॉरन ट्रूप्स वहाँ से चली जाए उनके जो पाँच हजार सोल्जर्स हैं वो छूट जाए तो अभी आठ दिन के अंदर यूएसए को उनके पाँच हज़ार सोल्जर्स भी छोड़ने अफगानिस्तान गवर्नमेंट को तो ये भी बड़ी बात है तो बेसिकली यही कि बैलेंस ऑफ पावर है वो पूरा का पूरा आपके तालिबान के फेवर में जाता है और आपने कहीं पर भी मतलब बेसिकली तालिबान को एक रिसर्जेंट ग्रुप बना दिया है और वहाँ पर आपने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसको एक तरीके से फेक गवर्नमेंट या इनलेजिटमेट गवर्नमेंट कर दिया ना अगर आपने उनको इंक्लूड ही नहीं किया पूरी बातचीत में तो आपने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को तो कोई तवज्जो ही नहीं दी तो बेसिकली वो सारे इशूज उठाए गए हैं एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट समझ में आ गया होगा काफी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश की आपको कि क्या क्या इशू करके तो अगर आपको समझ में आ गया हो क्या -क्या तो प्लीज डू टेल मी कैसा लगा आपको ये एडिटोरियल आई होप ये अच्छा लगा होगा वायरल इकोनॉमीज अब ये जो टर्म है वायरल इकोनॉमीज ये इसके लिए यूज किया जाता है जब इकॉनमी को किसी एक वायरल डिसीज से नुकसान पहुंचता है तो अभी जिस डिसीज की हम बात कर रहे हैं आप सबको पता है वो नोवेल कोरोना वायरस है कोरोना no, वायरस के कारण बहुत सारा इकोनॉमी को लॉस हुआ है कल भी परसों भी मैंने आपको बताया था कि जो जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते जा रहे हैं डंप करते जा रहे हैं सिक्योरिटीज को इक्विटीज को डंप करते जा रहे हैं ठीक है ना तो ये जो वायरस है उसके बहुत सारे नुकसान है लाइफ को तो थ्रेट पहुंचता ही है जान को तो नुकसान

इन्वेस्टर्स दे थे जो थेड फॉर द एग्जिट डंपिंग स्टॉक्स दे हैव बिग मनी मूव्ड टू द रिलेटिव सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स तो जो मनी थी वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ ज्यादा होने लगी इस कारण से प्राइजेस बढ़ गए और ईल्ड घट गई तो प्राइजेज जो थी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की वो बढ़ गई और ईल्ड डिक्रीज हो गई यूएस मार्केट एक्सपीरियंस देर वर्स्ट वीक सिंस टू थाउजेंड एट ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस यह भी हमने देख लिया ओके okay? एंड इसके अलावा ऐसा नहीं इसके अलावा इन्वेस्टर्स ने गोल्ड को भी बॉयकॉ कर दिया जिसके प्राइजेस गिरने लगे तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं जो कि कोरोना वायरस के हैं आप लिख सकते हैं कि जैसे स्टॉक्स को बेच के लोग भागने लगे एग्जिट करने लगे दूसरा ग्लोबल जो सप्लाई चेन थी ग्लोबल सप्लाई चेन उसको इंपैक्ट पहुंचा तीसरा एक स्लोडाउन देखने को मिला चौथा गोल्ड्स के प्राइजेज डिक्रीज होने लगे तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ दिस फॉर इंडिया द ट्रेवल्स कुड नॉट हैव एज अ एट अ वर्स मूवमेंट जस्ट व्हेन देयर आर देयर आर सम टेंटेटिव साइंस फॉर द रिटर्न ऑफ ग्रोथ आप सबको पता है इंडिया की जो ग्रोथ है वो फोर से डिक्रीज हो गई थी है ना हम ऑलरेडी क्राइसिस में चल रहे थे और उस समय ये जब थोड़ा बहुत इकोनॉमी ठीक होने के आसार लगे तब जाके आपका कोरोना वायरस का ट्रेवल आ गया तो ये भी एक प्रॉब्लम है ओके okay? In a situation of global recession, exports which are not growing even now. टेक हिट तो अब ग्लोबल जब रिसेशन आएगा यानी ग्लोबल जब स्लो डाउन आएगा तो ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट्स हैं और ज्यादा डिक्रीज होंगे ग्लोबल स्लोडाउन आएगा तो बाकी कंट्रीज थोड़ी खरीदेंगी आपका माल तो और ज्यादा आपको एक्सपोर्ट्स में डिक्रीज देखने को मिलेगा ओके सो दिस इज दिच इज देयर अस्क अवर्स फॉरन इन्वेस्टर्स जो रिस्क ना लेने वाले इन्वेस्टर्स है दे कुड होल्ड बैक फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इसका एक इंपैक्ट और इंडिया में देखने को मिल सकता है कि इन्वेस्टमेंट नए नहीं आएंगे ऑलरेडी वो अपनी जो मतलब जो भी उनका इन्वेस्टमेंट था जो इक्विटीज थी उनको डम्प करके तो भगते जा रहे थे और अब हो सकता है कोरोना वायरस कारण जो यह इंपैक्ट है वो और आगे फ्यूचर में देखने को मिले और हमको नए इन्वेस्टमेंट भी ना मिलने पाए ठीक है ना इसके कुछ फायदे भी हुए एक फायदा यह हुआ है बेसिकली कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज हैं वो स्लिप करते जा रहे हैं दैट इज अ गुड न्यूज फॉर आर इकॉनमी एंड इन्फ्लेशन की क्रूड ऑयल की जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीज करेंगे तो हमको फायदा होगा ओके okay? एंड एक और दूसरा फायदा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की जो कंपनीज है बहुत कम हिस्सेदारी रखती हैं चाइना की ज्यादा रखती हैं यूएसए की ज्यादा रखती है लेकिन इंडिया की कंपनीज कम है ग्लोबल सप्लाई चेन में इस कारण से उसका इंपैक्ट थोड़ा सा कम पड़ेगा हमको लेकिन बाकी जो इंपैक्ट हमने डिस्कस किए वो पड़ेंगे आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दो ओके अभी जो पहला आर्टिकल था प्लूरल लेगेसी मोर वाइटल देन एवर ये बात चल रही है बेसिकली जवाहरलाल नेहरू की जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है कि ही हैड अ डीप सेंस ऑफ हिस्ट्री कल्चर एंड कंटेक्सट डीप नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था हिस्ट्री एंड कल्चर का एंड देयर फोर जो प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेसी uh, है जो सोशलिस्टिक पैटर्न नेहरू ने इंडिया के लिए चुना वो बेस्ट था इस आर्टिकल में बहुत ज्यादा चीज़ें ऐसी लिखी नहीं गई हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो तो प्रलिम्स का टाइम असली ये हम डिस्कस नहीं करेंगे वेदर द ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंस अब ये क्या बात चल रही है यहाँ पे ये आर्टिकल है बेसिकली अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने uh, 2019 में नवंबर में एक जजमेंट दिया था जिसको बोलते हैं ओके। रोजर मैथ्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक रूल्स आए थे। रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाले थे रिगार्डिंग द ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड अदर क्या था जो गवर्नमेंट थी उसने रूल्स निकाले थे फॉर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कंडीशंस ऑफ अपॉइंटमेंट टू मेंबर्स टू ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज मतलब कि ट्रिब्यूनल्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में ट्रिब्यूनल क्या होता है देखो एनसीएलटी एक ट्रिब्यूनल है एनसीएलएटी एक अपीलेट ट्रिब्यूनल है है ना तो ये आपको समझ में आता है ना कि ट्रिब्यूनल अपीलेट ट्रिब्यूनल मतलब ट्रिब्यूनल मतलब जो एक रेगुलेटरी बॉडी होती है एक तरीके से जजमेंट देती है उसके बाद उसकी जो अपील जाती है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे जाती है ठीक है ना तो ऐसी बॉडीज में किन मेंबर्स को रखना है उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा उनके टर्म्स क्या होंगे उसके रिगार्डिंग 2017 में रूल्स निकाले थे गवर्नमेंट ने ठीक है ना 2019 के रोजर मैथ्यू केस में सुप्रीम कोर्ट ने इन रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों किया क्योंकि इन्होंने बेसिकली वॉयलेट किया है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ओके प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को वॉयलेट किया है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपके जो दो के रूल्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को वायलेट करते हैं इस कारण से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है अब प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ये होता है कि जुडिशियरी जो है वो इक्वल होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव के या ज़्यादा होनी चाहिए एग्जीक्यूटिव से ड्यूरिंग द क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस क्यों क्योंकि अगर आप जुडिशरी को कम कर देंगे एंड एग्जीक्यूटिव लॉ मेंबर्स को ज़्यादा कर देंगे बाकी गवर्नमेंट के मेंबर्स को तो हो सकता है जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो 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 उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट देखो हुआ क्या था दो के रूल्स में ये हुआ था कि मैं आगे बताऊंगा आपको देखो होता है सिलेक्शन प्रोसेस हो रही चार मेंदर, चार मेंबर लो मेंबर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में है उसमें क्या होना चाहिए जुडिशरी का कहना था कि एटलीस्ट दो जज होने चाहिए और दो एग्जीक्यूटिव मेंबर होने चाहिए तो दो जज और दो एग्जीक्यूटिव मेंबर तो होंगे तो यहां पर दोनों बराबर रोल प्ले करेंगे बट गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जज कर दिया एक ही जज रखा और तीन मेंबर बाकी के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे तो यहां पे देखो जुडिशरी कम हो गई तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी चाहती है कि सर्च कम सिलेक्शन कमेटी अगर कोई बन रही है तो वहां पे जुडिशरी का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए एग्जीक्यूटिव मेंबर से या ज्यादा होना चाहिए ओके इस तरीके के ट्रिब्यूनल्स या बेसिकली अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में जो मेंबर सेलेक्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग बट गवर्नमेंट ने क्या किया उनका नंबर कम कर दिया इस कारण से उसको रिजेक्ट कर दिया गया था ठीक है ना इन द 2017 रूल्स एज नोटेड बाय द कोर्ट इन रोजन मैथ्यू बारिंग द नेशनल कम्युनिटी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल केवल नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ऐसा था जहां पे दो दो की बराबरी थी बाकी की जो सिलेक्शन कमेटी थी उसमें क्या हुआ था आयदर देवर इंटायरली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोग थे वो केवल केवल सेंट्रल गवर्नमेंट से थे और कंप्राइज अ मेजोरिटी ऑफ पर्सनल फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या तो पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के थे या मेजोरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के थे तो ये हुआ था बेसिकली दो के रूल्स में एंड इसी कारण से उन्होंने बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट थी रोजर मैथ्यू केस, 2019 का जो केस है, उसमें ये जो उन्नीस के रूल से हो क्या रहा था? कि जो जुडिशरी जो की इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी दूसरी चीज मैं बताता हूं अभी अब दो में नए रूल्स बनाए गए हैं अब ऑथर क्या बोलता है कि अभी ये 2020 के नए रूल्स बनाए गए हैं लेकिन इसमें भी सेम चीज चल रही है सेम चीज क्यों चल रही है कि अब अब उन्होंने उन्होंने क्या बोला है? अब उन्होंने ये बोला है है कि एक जज रहेगा एक प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल रहेगा और बाकी के दो सेक्रेटरी रहेंगे अब आप समझना 2020 के रूल में उन्होंने क्या बोल दिया कि एक ही जज रहेगा एक जो ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहेगा ट्रिब्यूनल का चेयरमैन रहेगा और दो जो रहेंगे वो सेक्रेटरी रहेंगे टू द गवर्नमेंट अब यहां तो जुडिशरी एक है और बाकी एग्जीक्यूटिव तीन है तो मतलब कि ऑथर का ये कहना है कि आप तब भी नहीं सुधरे 2017 के रूल्स को आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने रोजर मैथ्यू केस में ऐसा बोला क्लियर कटडिशियरी के मेंबर या तो इक्वल रहे सिलेक्शन के लिए या ज्यादा रहे तो भी आपने क्या किया जो दो में नए रूल बनाए उसमें भी आपने सेम चीज रखी तो एक तरीके से ये कंटेम है ये वॉयशन है ऐसा ऑथर का कहना है ठीक है ना अगली चीज क्या है देखो यहां पे देखो अंडर द ट्वेंटी ट्वेंटी रूल्स द इंक्लूजन ऑफ द प्रेसिडेंट चेयरपर्सन ऑफ द ट्रिब्यूनल एज द मेंबर इन द सेलेक्शन कमेटी टीस ऑफ द प्रीवियस डिसीजन ऑन सुप्रीम कोर्ट मतलब एक तरीके से वही वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने जो डिसीजन था उसके ऊपर एक तरीके से फिर से उन्होंने वही चीज कर दी ओके तो अगर एक नॉन जुडिशियल मेंबर बन रहा है सिलेक्शन कमेटी का तो सुप्रीम कोर्ट तो फिर आगे जाकर यही बोलेगा ना कि सुप्रीम कोर्ट तो यही बोलेगा कि इंडिपेंडेंस और जुडिशरी को एफेक्ट कर रहा है ओके अब अगली चीज़ देखना अगली चीज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक और केस हुआ था तो एक केस था मद्रास बार एसोसिएशन केस मद्रार, मद्रास बार एसोसिएशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ये मेंबर होते हैं जो इनके मेंबर होते हैं ना मतलब कि जो जिनका अपॉइंटमेंट किया जाता है ट्रिब्यूनल्स में या दे शुड बी फ्रॉम एडवोकेट्स एंड जजेस ओनली वो एडवोकेट एंड जजेस से ही होने चाहिए इंडियन लॉ सर्विस के मेंबर नहीं होने चाहिए लीगल सर्विसेज के मेंबर नहीं होने चाहिए इंडियन लीगल सर्विसेज कैन नॉट बी कंसिडर फॉर द अपॉइंटमेंट एज जुडिशियल मेंबर याद रहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जुडिशियल मेंबर होता है उसका मतलब स्ट्रिक्टली होता है कि या तो जज हो या एडवोकेट हो इंडियन लीगल सर्विसेज के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर जुडिशियल मेंबर नहीं कहलाते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था लेकिन अभी अगर आप देखो इस बारे के ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आप देखो तो उन्होंने कंडीशन क्या रखी है देखो गवर्नमेंट ने कंडीशन रखी कि एडवोकेट जो होगा वो पच्चीस साल का एक्सपीरियंस रखता हो अब हंसने वाली बात यह है कि पच्चीस साल का एक्सपीरियंस तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के लिए भी नहीं चाहिए हाई कोर्ट के लिए भी नहीं चाहिए तो आपने पच्चीस साल का एक्सपीरियंस क्या सोच के रखा है है ना इससे होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट ये बहुत इजीली ये लोग लीगल सर्विसेज के मेंबर को इंक्लूड कर देंगे है ना तो इस कारण से भी ये वॉयलेट करता है जो ट्वेंटी ट्वेंटी के रूल्स हैं वो वॉयलेट करते हैं फॉर द सेलेक्शन ऑफ द मेंबर्स टू ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल अगला चीज जो है टेन्योर वायलेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था देखो पहले 2017 के जो रूल्स आए थे 2017 के रूल्स में बेसिकली तीन साल का टेन्योर दिया गया था तीन साल का टेन्योर दिया गया था मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि तीन साल का टेन्योर बहुत कम है जब तक वो अपना काम समझेगा बंदा तब तक उसको उसका टेन्योर ओवर जाएगा तो कम से कम पांच या सात साल का टेनियर रखना है बट जो नए ट्वेंटी रूल्स आए हैं उसमें जो टेनियर रखा गया है वो चार साल का रखा गया तो मतलब आप देख रहे हो गवर्नमेंट को आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पांच या सात साल बोला तो भी आप चार साल रख

यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे नो कंट्री फॉर प्रोटेस्टर्स प्रोटेस्ट की बात चल रही है क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए बट दैट दैट इज नॉट द थिंग टू डिस्कस अ डील इंक्रीजेस अनसर्टेनिटी ये जो फैक्ट uh, पॉइंट है यहां पे यूएस तालिबान डील के बारे में है कि ये जो डील है ये इसमें एवर लास्टिंग पीस नहीं दिख रहा है होता हुआ ओके तो ऐसा ऑथर का कहना है कि ये जो डील थी ये एवर लास्टिंग पीस के लिए थी लेकिन ये लग नहीं रहा कि ला पाएगी द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ डायलॉग लीडिंग टू अ ड्यूरेबल पीस इज इन द कंट्री डू नॉट सीम टू बी वेरी गुड मतलब उन्होंने बोला कि ड्यूरेबल पीस यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए जो पीस है वो नहीं होती दिख रही क्यों सबसे बड़ा इशू ये है रीजन स्ट ये है कि काबुल की जो गवर्नमेंट है उसको इंक्लूड ही नहीं किया गया काबुल की गवर्नमेंट और तालिबान की कोई बात ही नहीं चल रही है जब इशू का, काबुल की गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में है तो फिर आप उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हो दूसरी चीज अशरफ घनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट है और उनके जो प्राइमरी चैलेंजर अब्दुल्ला अब्दुल्ला ओके इन दोनों में ऐसा चलता है कि पैरल गवर्नमेंट बनाते हैं लोग पैरल गवर्नमेंट बना लेते हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला और वो अब अब्दुल्ला अब्दुल्ला की जो जो ट्राइब है यानी कि अशरफ घनी तो पश्तून ट्राइब के हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है वो तजीक्स के हैं तजीक्स जो थे वो मेजर अपोनेंट हैं आपके आ, किसके तालिबान के ओके तालिबान के जो मेजर अपोनेंट है वो तजिक सिथे हैं अब्दुल्ला अब्दुल्ला वाली जो ट्राइब है तो ये बेसिकली है ये भी इशू है कि, कि कल को अगर कोई डील होती है तालिबान आ, अगर सपोज अशरफ घनी की जो प्रेसिडेंट है उसके साथ किसी डील में आते भी हैं तो अब्दुल्ला अब्दुल्ला उसको अपोज करेगा तो आपको पहले इन सबको एक टेबल में रखना चाहिए था और फिर बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए ना कि ऐसा कि आप अलग से कोई डील डाल करके इनके साथ निकल लो है ना अगली चीज अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन सेट आउट ये जो मैंने पॉइंट पहले आपको समझा दिया है कि बेसिकली उन्होंने बोला है कि हम चौदह महीनों के अंदर पूरा अपना आ, हटा लेंगे और पहले मतलब विद इन योर फर्स्ट वन थर्टी फाइव डेज हम अपनी फोर्सेज को अफगानिस्तान में रिड्यूस कर देंगे टू एटी सिक्स हंड्रेड ऐसा यू एस ए ने कहा है तो ये उनके इलेक्शन के लिए बूस्ट की तरह काम करेगा फॉर द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बेसिकली ये वाली बात की जा रही है इस आर्टिकल में तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस थिंग ओके आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे एक्सपर्ट रेजेस कंसर्न ओवर इंडिया कंसर्न फॉर इंडिया ओवर यूएस अफगानिस्तान अफगान तालिबान डील यहाँ पे भी वही चीज़ है यहाँ पे एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इंडिया के लिए भी थोड़ा खतरा है ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी चीज नहीं है क्यों क्योंकि पहली चीज़ तो ये डील जो है वो अभी भी नैबुलस है मतलब कि कोई रेफरेंस नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन का कोई रेफरेंस नहीं दिया रूल ऑफ़ लॉ का कोई डेमोक्रेसी का कोई इलेक्शन का रेफरेंस नहीं है इस डील में जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि तालिबान ने कोई ऐसा वादा नहीं किया है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा कि नहीं मानेगा रूल ऑफ़ लॉ को मानेगा कि नहीं मानेगा उन्होंने तो अपनी टर्म्स पर ही मेरे को लगता है डील कराई है तो ये वाली बात है ओके वाली बात है दूसरी चीज इंडिया के लिए अनसर्टेनिटी क्या है डील में यह कहीं क्लियर नहीं है कि इट इज़ अनक्लियर विच मतलब कि यूएस के अलाय जो है फॉर एग्जांपल इंडिया जो है क्या वो इंक्लूड रहेगा कि नहीं रहेगा उसका पोजीशन क्या रहेगा आप जब डील करेंगे उसके बाद इंडिया का काम क्या अफगानिस्तान में चलता रहेगा या नहीं चलता रहेगा तो ये चीजें क्लियर नहीं है घनी की जो गवर्नमेंट है वो हमको फेवर करती है तालिबान हमको अपोज नहीं करती बट फेवर करती है नहीं करती ये हमको नहीं पता तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिकली हमको नहीं पता एंड इट्स स्टिल नॉट क्लियर आफ्टर द डील और डील के बाद भी अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर क्या होगा इसका ये देखने वाली बात इंडिकेशन दैट घनी गवर्नमेंट विच इज विच इंडिया हैज रिकोगनाइज एज विनर ऑफ टू इलेक्शन विल ऑनली सर्व फॉर इंडर इम पीरियड अब इंडिया ने तो घनी की गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट माना है हमने उनको लेजिटिमेट माना है तालिबान को लेट मानती है तो हो सकता है इस पॉइंट ऑफ इशू से हमारे और तालिबान के बीच में जो रिलेशन सही ना रहे तो ये सारी चीजें क्लियर नहीं है बेसिकली वही वाली बात है कि ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं है और ये क्लियर होनी चाहिए थी पहले डील के इस कारण से बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी के क्लाउड्स होवर कर रहे हैं फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान थ फेलिंग एलोकेशन नेवी लुक एट फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन अब क्या है जो एलोकेशन है नेवी के लिए वह कम होता जा रहा था लेकिन नेवी को फाइटर जेट्स की भी जरूरत है एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत है यह ऐसा नेवी का कहना है तो कैपिटल एलोकेशन जरूर कम हुआ ना वॉट दे आर से मतलब कि वो ऑप्टिमा ऑप्टिमाइज करेंगे फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि देखो पहले मान लो उनको कोई चीज दस चाहिए थी तो अब उसको घटा करके पांच लेंगे कोई चीज उनको बारह चाहिए तो घटा करके छह लेंगे जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है देखो फ्लीट ऑप्टिमाइजेशन के अंदर क्या होगा दे विल कट डाउन द माइन स्वीपर्स माइन स्वीपर्स लेने वाले थे वो बारह पहले बट अब वो बा, अब बारह की जगह वो आठ ही लेंगे ओके okay? उसके अलावा एडिशनल पी आई P8I क्या होता है देखो यूपीएससी पूछ सकता है डायरेक्टली कि P8I वाज इन न्यूज क्या होता है ये ये तो लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट होता है P8I उसका नंबर भी वो 10 से डिक्रीज करके छे करने वाले हैं ओके okay, क्योंकि अब एलोकेशन घटा है तो ऑप्टिमाइज करेंगे है ना तो याद रखना माइन स्वीपर्स का नंबर ट्वेल्व से एट कर दिया है P8I क्या था लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है उसका नंबर टेन से डिक्रीज करके सिक्स कर दिया है उसके अलावा जैसे यहाँ पे देखो

सो दैट इज इट फॉर द डे एक बार आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं न्यूज एनालिसिस पार्ट में इतना ही था आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चन मैंने पूछे आज के तो पहला क्वेश्चन था नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है तो इसका आंसर है गुजरात डी गुजरात में नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तिशरीन किससे रिलेटेड है तो इराक से रिलेटेड है तिशरीन में प्रोटेस्ट हुए थे बेसिकली और सिविल टाइप का मूवमेंट हुआ था इराक में तिशरीन रेवल्यूशन कहा जाता है इस स्कीम मैंने पूछा था तो इस स्कीम है बेसिकली माइक्रोस्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की दो में पांच स्टार्ट की गई थी इस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट देने के लिए स्कीम है अब हमने आज क्या क्या सीखा तो हमने सी के बारे में सीखा जैसा कि रिवीजन कर लेते हैं सीए के बारे में सीखा फिर सी ए मैंने आता है छः कम्यूनिटी हैं कहाँ कहाँ के तीन कंट्रीज़ पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश इकतीस दिसंबर 2014 पासपोर्ट एक्ट 1920 एंड उसके उसका फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946 ये सारी चीज़ देखी इसके बाद हमने यूरेशियन ऑटर और चिल्का लेक के बारे में जाना फिर हमने फ़िशिंग कैट के बारे में जाना फिशिंग कैट की वेराइटी उसके वेबड फीट होते हैं उसके जो वाटर रेजिस्टेंट फर होता है उसके बारे में जाना क्या क्या है डुगोंग काउ का क्वेश्चन मैंने आपसे ज़रूर पूछा है तो वो आप जरूर मुझे बताइएगा इफ़ यू कैन टेल मी दी आंसर माइग्रेटरी बर्ड्स यानी सी एम एस यानी कंजर्वेशन ऑन

साल वाली कंडीशन है तो वो आ जाएंगे फिर उन्होंने तीसरी चीज बोली थी कि 10 ईयर 5 से साल साल मिनिमम होना चाहिए तो गवर्नमेंट ने पहले जो 2017 के रूल्स आए थे वहाँ पे 10 ईयर रखा था तीन साल अब जो 20 के रूल आए उसमें चार साल कर दिया तो वहाँ पे भी इशू है फिर हमने पूरा बहुत डिटेल में जाना कि किस तरीके से यूएस तालिबान की जो डील है वो सही डील नहीं है है ना ये वाली बात हमने जानी एंड इंडिया के लिए क्या क्या खतरा है वो भी हमने देखा फिर नेवी का हमने ऑप्टिमाइजेशन देखा इसमें हमने बात की पी एट आई की बात की उसके अलावा हमने हेल हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस की बात की है ना तो ये सारी चीज़ें हमने देखी सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लाइक यअर वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे